उसको जाने दो। एक मर्दों में ही एक मर्द जिनकी जान शायद बच गई और औरतों में एक औरत भी जिसको मारा गया। ये एक औरत जब मुसलमानों ने पूरे कबीले को घेरे में लिया हुआ उस वक्त ये किले की दीवार पर चढ़ गई और चक्की पुराने जमाने में घरों में चक्कियां चक्की का हाथ उठा के इस तरह नीचे थे एक मुसलमान के सर पे लगा और इसने निशाना लेके इसको गिरा। वो मुसलमान शहीद हो गए। वही पैगंबर इस्लाम ने उस वक्त तो कोई एक्शन नहीं किया, यानी जब हमला नहीं किया किला नहीं तोड़ा जब ये ताकत हुई। लेकिन जब ये सब गिरफ्तार हो गया वो शरी मसला कातिल को माफ नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि मक्कून के वारिस माफ करो और मक्कून के वारिस राजी नहीं। तो इस औरत के कत्ल का हुक्म हो चुका है। यहां पे हजरत आयशा की एक हदीस मिलती है, हमें तारीफ का वाक़ा है, हदीस तो नहीं तारीफ की वाक़ा है। वो कहती कि जो जिस मकान में भी यहूदी औरतें बैठी बतौर कैदी मैं भी वहां बैठी और एक यहूदी औरत उससे बात कर रही बड़ी नंदी सड़की से आत्मन उससे बात कर रही और दुनिया भर की बातें दुनिया भर के मौजूदा और बाहर से नामों की आवाज आ रही खुला को लाओ खुला को लाओ खुला को इतने में नाम को कारा कर बनाना नाम था। एक मतलब मैंने देखा ये औरत खड़ी और बाहर से मैंने हैरान होकर कहा तुम कहां जा रही कहा ये मेरा नाम है जो पुकारा जा रहा है। मतलब आयशा कहती मैं हैरत सदर है तुम्हारा नाम आखिर क्यों उसने वजह बताई कि मैंने क्योंकि एक मुसलमान को कत्ल किया मैं तो कातिल हूं। तो अब मैं हैरान हो गई तुम्हें पता कि तुम्हारी मौत आने वाली इतने आराम के साथ बैठी किस तरह से बातें कर रही लेकिन मौत का शौक होगा मोमिन कितना डरते हैं मौत से तो हालत ये इतना डरते इतना डरते कि मौत से डर की वजह से हम जैसे उसे डरने लगते हैं जो सिर्फ मौत को फिर कर्मी सवाल कर दिया करते और वहां वो काफिर वहां वो यहूदन उसकी ये हालत के आराम से बैठी तो सिर्फ आंक रही और जब नाम भी पुकारा गए तो परेशान नहीं रोई नहीं घबराई नहीं भागने की कोशिश नहीं पूरे वकार के साथ जा रही हैरत सदर है कि मैं उसको देख नजर आगे आशा करती और एक मतलब मैंने सवाल की कि तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं और डर गए अपने मजहब के खातिर मैंने कुर्बानी दी और अपने मजहब से मैं कुर्बान होने को जा रही एक आशी मोमिना जो मजहब के खातिर एक गोगा नहीं ओढ़ा जाता एक सही चादर नहीं पहनी जाती घर के बाहर पर्दा कर भी ले तो घर के अंदर का पर्दा उसकी समझ में नहीं आता और एक चीज यहूदन है कि जो कह रही है कि मेरे मजहब का तकाजा था कि मैं दुश्मन को मारूं मैंने मारा और इसकी जो बजा दी मैं अपनी खुशी से बर्दाश्त करने के लिए जा रही और उसके अकीदे के मुताबिक वो शहीद हो रही होगी और जन्नत में जा रही होगी। ऐसा ऐसा ईमान भी हमें काफिरों में रहता इसीलिए तो मौला ने कहा कि देखो जहां भी तुम्हें हिम्मत की बात मिले उसे ले लो चाहे काफिर भी